के दिन सिर्फ भाई को ही नहीं, जिसको भी आपको लगता है कि नहीं इसको रक्षा की आवश्यकता है, उसे रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए। अपने भाई को दोस्तों पटे पर बिठाएं या कोई भी आसन जो जमीन से थोड़ा ऊंचा हो उस पर बिठाएं, उसे तिलक लगाएं, घी के दिए से आरती उतारें, उसके बाद अक्षत की उसके ऊपर वर्षा करें, पुष्प की वर्षा करें। अपने भाई के ऊपर से एक चीज जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ, स्पेशली वीडियो जिसके लिए मैंने बनाई है, जो आप पूजा की थाली तैयार करते हैं उसमें एक घी का दिया रखें, अगरबत्ती, पुष्प, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, ये तमाम चीजें आप उसमें रखें जिससे आपको तिलक लगाना है, बराबर। इसी थाली में दोस्तों एक चीज आप जरूर रखें, वो है फिटकरी और सिंदूर मिक्स कर दें और उसकी पुड़िया बना करके रखें। फिटकरी और सिंदूर की पुड़िया पूजा की थाली में आज के दिन जरूर रखें। जब आप तिलक लगा लेते हैं, आरती कर लेते हैं, अपने भाई को राखी बांधते हैं, उसके पहले इस पुड़िया को 7 बार अपने भाई के ऊपर से उबारें और पानी में डाल दें। पानी में डाल देने के बाद, मतलब जो फिटकरी का पाउडर है सिंदूर, उसको पानी में डाल दें। उसके बाद आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें और मिठाई खिलाएं। विधि पूरी होने के बाद आप उस पानी को उठा करके घर के दक्षिण दिशा में डाल दें। ऐसा करने से रक्षा सूत्र जो आपके भाई की रक्षा करता है, वही तमाम प्रकार के संकटों से, नेगेटिविटी से, तमाम प्रकार के ग्रहों के जो बुरे इफेक्ट है, उन तमाम चीजों से ये दोनों चीजें उसकी रक्षा करती हैं। 7 बार आज के दिन ये पुड़िया आपको अपने भाई के ऊपर से उबार लेनी है, उबार करके दक्षिण दिशा में उसको पानी में डाल करके पानी फेंक देना है। बहुत ही छोटा सा काम है। वैसे इसके सिवाय भी दोस्तों काफी ऐसी चीजें हैं जो यदि आप यूज करते हैं आज के दिन पूजा के समय, जब आप अपने भाई को राखी बांधते हैं, तो उससे आपके भाई का भी प्रोग्रेस होता है और आपके लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आती ही है। जिन भाइयों की बहनें नहीं है, वे पंडित के हाथों से रक्षा सूत्र जरूर बांधवाएं। आप देखेंगे आपकी लाइफ, मतलब आज के दिन रक्षा सूत्र बांधने मात्र से जीवन से तमाम प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। आज के दिन जो भी बहनें हैं, भाई हैं, एक दूसरे के लिए जितनी ज्यादा हो अच्छी दुआएं करें, एक दूसरे को मिठाई जरूर खिलाएं। अच्छे काम की शुरुआत दोस्तों मीठी चीज से इसीलिए होती है क्योंकि मीठी चीज में माता लक्ष्मी का वास है। जहां माता लक्ष्मी का वास होता है, जहां धन होता है, वहां से 90% तकलीफें तो यूं ही दूर हो जाती है। तो आज के दिन मीठी चीज एक दूसरे को जरूर खिलाएं। जो बहने हैं, कोशिश करें कि जो मीठी चीज आप अपने भाई को खिला रही हैं, वो अपने घर में बनाई हुई हो। घर में बनाई हुई कोई भी चीज, छोटी मोटी भी मीठी चीज अपने भाई को जरूर खिलाएं। इससे आपके घर में भी धन धान्य बढ़ता है और आपके भाई के घर में भी धन धान्य बढ़ता है। आज के दिन अपनी बहन के या जो भी आपको रक्षा बांधता है, रक्षा सूत्र, उसके चरण स्पर्श जरूर करें और चरण स्पर्श में भी अंगूठे का स्पर्श जरूर करें। यही वो जगह है जहां से आप सामने वाले की शक्ति को गेन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा काम है, आज के दिन जरूर करें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।